सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। आप देख रहे हो कि आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ बाहर से शुरू, क्योंकि यशु अंदर काम कर रही है और अभी टाइम हो रहा है 1:15 के आसपास हो रहा होगा, क्योंकि आज हम लोग सुबह से ही बहुत ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि आज हमें, आपको पता है कि शाम को बाहर जाना है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे आज। और अभी मैं जा रही हूँ अपना हेयर कट कराने के लिए, क्योंकि क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं और शाम को जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पे बहुत अच्छे से बन के जाना पड़ेगा, इसलिए तो फिलहाल अभी चलते हैं हेयर कट कराने, फिर उसके बाद घर आएंगे मस्त। और शॉपिंग के लिए भी जाना है, रश चुकी 1-2 चीज़ें रह गई हैं जो वो लेने के लिए, तो फिर आपसे मिलते हैं। दोबारा से फेशियल करा के लाल बंदर बन चुकी है बिल्कुल, मना करती हूँ मत कराया कर, फिर भी कराना ज़रूरी होता है इसको, क्योंकि इसकी स्किन अब इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि कुछ भी नहीं झेल सकती। लेकिन आप मानोगे नहीं कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, लेकिन आप चाहो तो ये मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन इसने मेरी स्किन पे किया है, तो लड़की से पूछो कि मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है। हाँ भाई बताओ भाई, लड़की कितनी सेंसिटिव है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इनका स्किन, मतलब कुछ भी करो तो रेडनेस तो आना ही है। बताओ जय बात हो गई। और अब यहाँ पे चल रहे हैं नेल एक्सटेंशन, क्योंकि शाम को हमें जाना है कहीं, तो हिलाओ मत। सो गाइस, अभी जस्ट फाइनली मैं अपनी नेल्स करा चुकी, बहुत ही सिंपल सुपर से कराए हैं एस्टर से, यस। तो अभी बहुत देर हो रही है, हमें फटाफट निकलते हैं क्योंकि हमको तैयार होना है, उससे पहले हमें जाना है मार्केट। और क्या ले रहे हैं? और लुक दिखा दूं मैं आप एक बार, इसका ये देख लो। चल पागल जी। तो गाइस, हम लोग जस्ट अभी घर पे पहुंच चुके हैं और यशु के नेल्स मैं आपको अब दिखा देती हूँ, देख लो। देखो मैंने एक कलर अलग कराया है, ये वाले फिंगर का, रिंग फिंगर का, बाकी ये करा है क्योंकि बहुत लाइट है। कौन है ये, क्या है? सरप्राइज हो गया। एक बेल बंद कर दो, रुक जाओ, खोल ना। ओह माय गॉड, ऑपरेशन करवाने वाले बंदे। तो गाइस, अभी तक ऑपरेशन का कोई पता नहीं है, लेकिन आपको मुझे लग रहा है कि जबरदस्ती ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, है कि नहीं? जबरदस्ती अब तो काट पीट मतलब करवा के जाओगे, है ना? सही में। चलो गले ले लो। अब बता दो फिर कब काम तमाम करवा रहे हो? कल और क्या? चलो फिर, कल तो हमें जाना है कहीं पे, उसके अगले दिन देखेंगे, अगले तो करवा के फिर निकल जाएंगे ऑपरेशन। टाइम भी तो दे रहा है ना। तो गाइस, अब ये रोकने की हमारी नई ट्रिक है कि 3-4 दिन अभी छोड़ देंगे, उसके बाद आप जरा हाँ मेहमान को पानी वानी पिला ले, तो हम तुमसे मिलते हैं। और अच्छा ये बताओ कि सरप्राइज का प्लान कैसे बना? बस ऐसे बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी, करना है ऑपरेशन, तो मैं चलो सरप्राइज ली करवा ही दिया जाए। सर्जरी में मैं ही सर्जन बन जाता हूँ। चलो गाइस, तनु आ गई है फाइनली, तो अब आपको व्लॉग्स भी हमारे कुछ तो बदलाव दिखेंगे। चलो घूमेंगे कहीं, तो चाय वाय बना लेते हैं। यस, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं। रास्तों में जाना भी है और ये इतना लेट आए हैं, कोई बात नहीं, एंजॉय करते रहेंगे साथ में, कहीं पे जाना नहीं, हम कोई बीच किनारे बैठ जाएंगे। गणपतराव भी तो ऑप्शन है। हाँ, गणपतराव के साथ भी रह सकते हो आप, भी ऑप्शन है ना। चलो चलो गाइस, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपसे। चलो बहुत मैक्सेस जा रहा है, जैसे मुझे अपने कॉस्ट्यूम के मैचिंग का हील चाहिए। मैचिंग का नहीं चाहिए, हील या तो ब्लैक। हील मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन एक वाइट है जिसका मुझे डर रहता है कि उसकी हील वो ना हो जाए। ब्लैक जो है उसका स्ट्रैप एक गुम हो चुका है, और जो मेरी वेडिंग वाली है वो डुगू ने मना कर दिया कि नहीं पहनी, हालांकि वो बहुत हैवी है, सोबर है, लेकिन हील ज्यादा है उनकी, तो हम एक और नया लेने जा रहे हैं। स्कूटी ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, तो हमें निकलना चाहिए। पहुंच चुके अपन मैक्सिस मॉल, फटाफट से शॉपिंग करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, हम बहुत ज्यादा लेट हो गए और गुस्सा आ रहा मेरे को तो। तो यहाँ पे डुगू अपने शूज लेते हुए, कौन बोला क्या? वो रतन चौहान है। हाँ, वो राजस्थान में रहती है। अच्छा, तो मैंने आज ये, तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग देख लो ऐसे दिख रहे हैं, बहुत लंबी दिख रही है मेरे से, इसने इतनी लंबी सैंडल पहन ली है, आप नहीं पसंद किए हैं वहाँ पे, अभी और लेट करवाना है। हम बहुत लेट हो गए गाइस, टाइम 8:46 हो गए, हमें 9 बजे पहुंचना था और 1 घंटा भी अब लगेगा। सुंदर लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बता दे रहे, कोई भी नजर नहीं लगाएगा, मेरी काला टीका लगवा लिया है, देखो। चलो 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 चलो, फाइनली हमको कैब मिल चुकी है, आधे घंटे की मशक्कत के बाद 9:15 बज चुके हैं, मतलब हम 8:40 से ट्राई कर रहे थे या फिर 8:30 से की कैब, लेकिन इतना ट्रैफिक है, बार बार कैंसिल हो जा रही थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई और हमको 9:15 तक पहुंचना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस टाइम तक निकल रहे हैं और
देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट कि हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो हो। बाकी तो मैं आपको वही जाके बताऊंगी, मैं दिखाऊंगी सीधा कि हम कहाँ जा रहे हैं। पहुँच चुके हैं यहाँ पे, अभी चलते हैं। काफ़ी लंबे अरसे से हम कुछ कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत हमने आज से की है। आपने देखा होगा कि मतलब आज हम एक सॉन्ग की स्क्रीनिंग पे गए थे जिसका नाम है ख्वाब था तू मेरा, जिसमें जो फ्रेडेंस का गाना है जिन्होंने मतलब उन्होंने परफॉर्म किया है सॉन्ग में, तो बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है। और मैं बता नहीं सकती स्क्रीनिंग के टाइम पर जब वो गाना प्ले हुआ और उन्होंने खुद जब वो गाया और डांस मोमेंट्स चल रहे थे पीछे, तो वो क्या फील था, बहुत अमेजिंग फील था। मतलब गूज़बम्स आ रहे थे, बड़े बड़े लोग आए हुए थे वहाँ पे, बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स आए हुए थे वहाँ पे और उनके अलावा भी काफ़ी लोग इंडस्ट्री से आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया उन सबसे मिल के। सारी चीज़ें यू नो एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि एक सपना आपके सामने हकीकत बन के आ जाता है, वैसे वाली चीज़ें थी यार। मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिस बंदे को मैं DID में देख रही हूँ, मैं हमेशा बोल रही थी मेरे को तो टेरेंस स्मार्ट लगता है, क्यूट है, मतलब ऐसे चलता था मेरे माइंड में। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि सामने से कभी मैं मिलूंगी। और यार मतलब मैं क्या बोलूँ, ऐसे डाउन टू अर्थ शब्द भी ना छोटा है उस बंदे के सामने, सीरियसली बोल रही हूँ मैं, इतना प्यारा बंदा है ना, और सामने से डांस करते हुए देखना मतलब वो तो बहुत ही बड़ी बात है। तो ये बहुत ही यादगार लम्हा है हमारी ज़िंदगी का, एक और बहुत अच्छा लगा। एंड एक और चीज़ ऐड ऑन कर दूँ कि ये तो बस शुरुआत है। लगा दी तो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करेंगे। अपने एक्सपीरियंस से बताओ गाइस को, आपको कैसा लगा? देखो अच्छा लगा तो मेरे को भी तो अच्छा ही लगेगा ना, मेरे को बुरा थोड़ी लगेगा। मेरे को लगा तो इनको लगा, मतलब आपको पर्सनल कुछ नहीं है? क्यों नहीं है पर्सनल, क्यों नहीं है? तो चलो गाइस इसी व्लॉग के साथ, नहीं इसी के साथ, इसी के साथ हम ये व्लॉग एंड कर, ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि आज भी पी के आए। नहीं मैंने लिटरली दवाई ली हुई है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप लोगों को विश्वास नहीं। मैंने मेडिसिन ली हुई है जिसकी वजह से इनको ऐसा हो रहा है, ये देखो। दो मेडिसिन मैं लेके गई थी, ये पेन किलर है जो मैं लेती हूँ, और एक मैंने वहाँ पे ली थी, और उसका असर, इसका असर मैंने आपको बताया 1-1.5 घंटे के बाद होता है, तो
तो उसका असर वो अब हुआ है। तो मैंने वहाँ पे जस्ट थोड़ी सी कोक पी थी क्योंकि वहाँ पे सारा का सारा अल्कोहल था तो वो तो नहीं पीना था, तो मैंने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक और साथ में हमने लिए थे हरे भरे कबाब, मतलब स्नैक्स जो था वहाँ पे उसमें हमने वही खाया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके लिए ये सरप्राइज कैसा था। मतलब पता है, अब फिर मैं वो अचीवमेंट वाली बात करूंगी, एक होता है कि आप कहीं से निकल के चाहे पहुंच गए लाइक कहीं से के थ्रू पहुंच गए या किसी दोस्त के लिए, लेकिन जब एक डायरेक्ट आपको एक स्क्रीनिंग के लिए जब इनवाइट किया जाता है ना एक स्क्रीनिंग के लिए, ये देखो एक स्क्रीनिंग पे जब आप होते हो वहां पे, और वो भी वहां पे 30-35 लोग थे तो उनमें हम थे, तो बहुत वो बड़ी अचीवमेंट है जब आपकी चीजों के लिए आपके काम के लिए आपको बुलाया जाता है, तो वो मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है वही। मतलब देखो एक ही चीज़ बोलूँगी, ये कमाया है हमने, ये हमने कमाया है, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो हम नहीं होते और इतनी सारी चीज़ें नहीं होती। और मैं फिर से कहूँगी कि ये तो बस शुरुआत है। तो आज का व्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं गाइज, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मुझे इसमें भर भर के व्यूज़, भर भर के कमेंट, लाइक, शेयर, सब कुछ चाहिए। और अगर आप आने वाले टाइम में भी ये सारी चीज़ें है ना देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और बताना कि आगे और क्या आने वाला है। चलो तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज, टाटा बाय, गुड नाइट।